देखिए आजकल जो विधाएं, आजकल जो टेक्नोलॉजी हो गई है, इस टेक्नोलॉजी का हर दृष्टि से उपयोग करना, उसमें इसका उपयोग किया गया है। और एक कथानक जो हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश की जनरेशंस के लिए, इस कथानक का यहाँ बताया जाना, सुनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसको लोग फॉलो करें, गीता के सार को फॉलो करें, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो हर दृष्टि से लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से लोगों को इस कथानक के अनुसार अपने जीवन में कुछ धारण करने ही होंगे। ये बातें बताने का एक प्रोग्राम तय किया है। मैं इन संस्थान का, जिन्होंने इसको इसकी सहायता की है, हमारे आइसलैंड कंपनी के हमारे शेषाद्री जी हैं, ये सारा जो खर्च है ये उन्होंने किया है। और 2 साल तक वो इसको चलाएंगे, उसका सारी व्यवस्था भी वो देखेंगे। 2 साल के बाद आगे जैसी व्यवस्था होगी, फिर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड इसको मेंटेन करेगा। ये डिजिटल आपने बोला था अभी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटल की जो व्याख्या करते हैं उसको DI और लास्ट में L, दिल, और बीच में गीता, तो दिल में गीता, तो डिजिटल की व्याख्या ये है। और वो व्याख्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं, तो वो मैंने आपको बताई। बाकी ये शो जो है यहाँ कंटिन्यूस चलेगा, शाम को आजकल ये 7:30 बजे चलेगा, जैसे जैसे अंधेरा जल्दी होगा इसका समय बदलेगा। और 1 महीने बाद जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो भी आएगा, ताकि देश और दुनिया जो लोग हिंदी नहीं समझते वो इसको इंग्लिश में समझ सके। नहीं, कुछ टिकट रहेगी इसके अंदर, वो भी नॉमिनल होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। प्रबंधन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और फिर लगभग 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ ने की है, रोजाना भी 250 लोग, आगे आवश्यकता पड़ने पर इसका विस्तार भी किया जा सकता है।